हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज जगदीश। माय नेम इज मनोज एंड वी आर रिएक्टिंग टुडे ऑन ढाका एंड कोलंबो। विच सिटी इज बेटर? आई थिंक बोथ सिटीज आर गुड बिकॉज द ढाका एंड कोलंबो द ऑल कैपिटल ऑफ बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो देखते हैं कि कौन सी अच्छी है, और अच्छी तो ये होगी। ढाका पे हम रिएक्ट कर चुके हैं, वी आर रिएक्टिंग ऑन ढाका, पर कोलंबो हमने देखा नहीं है, तो कोलंबो भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके मनु, लेट्स स्टार्ट। ढाका एंड कोलंबो। ओके, ढाका बांग्लादेश। कंजेस्टेड, बहुत कंजेस्टेड ये सिटी। वाओ, पानी बहुत है, ये बात में कोई शक नहीं है। बांग्लादेश ढाका, वाओ ब्यूटीफुल पुल ब्रिज, सॉरी बहुत कंजेस्टेड है यार, पब्लिक के हिसाब से पुल पे ब्रिज पे इतने लोग दिख नहीं रहे ना। ये क्या चीज़ है, स्टेडियम? हाँ, यहाँ पे कोई प्रोग्राम होते होंगे नहीं? सही है, ज़्यादा ऊँची ऊँची इमारतें कम है ना। पर है बहुत ज़्यादा, वो फैला हुआ है यार। और हाँ, ये तो स्लम तो हर जगह होगा। सॉरी, पॉपुलेशन कितनी है, हाउ मैनी पीपल लिव इन ढाका, प्लीज कमेंट में आप बताइएगा। सिटी के बीच में कोई नदी है ना। ऑफिसेज, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, वाओ सबसे प्यारा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल रियली, नाइट व्यू। इन नाइट व्यू एवरी सिटी लुक लाइक हेवन रियली, एंड दिस इज ऑल्सो स्टेडियम, स्पोर्ट्स, पब्लिक बहुत। रुकती नहीं है, मुंबई जैसी सिटी लग रही है ढाका, है ना। बांग्लादेश की इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाइट लाइफ, वाओ 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 वाओ, ये क्या है, नहीं है। आई थिंक दिस इज अ फेस्टिवल, सम काइंड ऑफ फेस्टिवल, प्लीज टेल अस एंड कमेंट बिलो। बहुत लाइटिंग यार, बोट है ना, क्रूज। यार तो घनी लेटर लग रही है। काओ मनु, चलो
नहीं अब शायद कोलंबो आएगा ना. कोलंबो. वाओ. श्रीलंका. कैपिटल ऑफ श्रीलंका कोलंबो. कोस्टलाइन सिटी है. इंडियन ओशन कोस्टलाइन सिटी है. नहीं स्काई स्क्रैपर मोर देन ढाका. फ्रेंड्स वाओ अमेजिंग अमेजिंग. रेलवे स्टेशन. हाय हाय हाय. लुक लाइक मुंबई. मुंबई की तरह देख रही है. कोलंबो. इज दिस कोलंबो ना. मलेशिया या लग रहा है. तो मलेशिया सिंगापुर है ना. हाँ बिल्डिंग वगैरह सारे अच्छे. अमेजिंग अमेजिंग. हाँ हाँ. बुद्धिज्म बहुत है. करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा तो सस्ता पड़ेगा. पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे भी है. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ कोलंबो. वाओ. बादलों में घिरी हुई इमारतें. बिल्डिंग्स आर कवरिंग विद क्लाउड्स. वाओ वाओ यार. अजब है ना. कोलंबो. ढाका एंड कोलंबो. सो फ्रेंड्स ये था वीडियो ढाका एंड कोलंबो का. तो मनु कौन सी सिटी अच्छी लगी. दोनों सिटी अच्छी है. किसके लिए बोला है पर हाँ दोनों अच्छी थी. नहीं फिर भी फिर भी फिर भी फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ढाका है वो टूरिस्ट सिटी नहीं लगी मेरे को. और जो कोलंबो है टूरिज्म आई थिंक टूरिज्म वहाँ ज़्यादा है. तो एज़ पर अगर मैं टूरिस्ट हूँ तो मैं कोलंबो प्रेफर करूँगा. और अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं ढाका जाऊँगा. ये मेरा मेरी मेरी थॉट है. दिस माय थॉट बिकॉज जो ढाका है जो बांग्लादेश है बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी आगे बढ़ गई है. और कंपेयर टू श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी बिल्डअप नहीं इतनी आगे नहीं है कंपेयर देन बांग्लादेश. पर जो श्रीलंका है वो है साउदर्न इंडिया साइड. तो वहाँ पे इंडियन ओशन है. और वो है कोस्टल लाइन है पूरा. ढाका शायद कोस्टल लाइन पे नहीं है. ये शायद अंदर है.
बाकी श्रीलंका में जो बुद्धा के जो स्टेचू दिखे थे आपको, तो ये सब बुद्धिज़्म फैलाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने, उस टाइम मतलब 2000 साल पहले उन्होंने फैलाया था, जो चाइना में है, जो सिंगापुर में है, ये अफगानिस्तान तक फैलाया था। यहाँ पे अफगानिस्तान में बुद्धा के दो स्टेचू थे बड़े बड़े, वो क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उनको शायद फिर तालिबान ने तोड़ दिए थे, पता नहीं क्यों तोड़े, उनको बनाया कैसे होगा वो सोचो आप, तोड़े तो उन्होंने दो गोले दागे और टूट गए वो, पर वो भी एक होली प्लेस था मेरे हिसाब से, एक दूसरे रिलीजन की अपन एक दूसरे रिस्पेक्ट करें तो उससे भाईचारा बढ़े। कभी फिर नफ़रतें शुरू होती तो फिर वो आगे से हमें नफ़रतें मिलती हैं ना, तो नफरत वो है। वाली चीज़ें ही हैं। तो होप सो कि दुनिया में धीरे धीरे शांति होगी और डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इस जो अपना ये रीजन है ये काफ़ी प्रॉस्परस है, इनकी कल्चर हिस्ट्री काफ़ी प्रॉस्परस है, काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि हमें नफ़रतें भुला के, देखिए बांग्लादेश आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की बॉर्डर पे इंडिया आता है और इंडिया के साथ बांग्लादेश का कोई टकराव नहीं है, तो बांग्लादेश को अपनी मिलिट्री पे इतना खर्चा नहीं करना पड़ता, तो खर्चा कम होगा डिफेंस पे, और इंडिया के साथ उनके काफ़ी सारे समझौते हैं, जैसे भूटान है, भूटान के पास कोई मिलिट्री वैसे कुछ भी नहीं है, वो पूरी इंडियन आर्मी पे डिपेंड है, तो वो कंट्री फिर अपना सारा पैसा अपनी कंट्री पे लगाती है, डेवलपमेंट पे। इसलिए कहते हैं ना बांग्लादेश आगे क्यों जा रहा है, बांग्लादेश आगे इसलिए जा रहा है, अगर बांग्लादेश की भी पाकिस्तान के साथ जैसी टेंशन अगर इंडिया के साथ हो तो फिर बांग्लादेश भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये काफ़ी काफ़ी हमारे सारी कंट्री को सोचने की ज़रूरत है। तो होप सो कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ये खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़, वियर अ मास्क व्हेन यू गो टू आउटसाइड योर होम, एंड स्टे सेफ, स्टे होम। ओके फ्रेंड्स, टिल बाय।